अगली खबर अल्मोड़ा से आ रही है, जहां पुलिस नशे पर लगाम लगाने के लिए जंगली भांग की खेती को उखाड़ रही है। आपको बता दें, एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचुआ ने भांग की खेती को नष्ट करने के लिए सभी थानों और चौकियों को निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस कर्मियों और अधिकारियों द्वारा भांग उखाड़ने के वीडियो सामने आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी देवेंद्र पिंचुआ ने बताया कि नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए स्मैक तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय स्तर पर चरस और गांजे की तस्करी को रोकने के लिए भांग के पौधों को नष्ट किया जा रहा है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। लेकिन नशे को उन्मूलन, नशा खत्म करना, ये हमारी एक टॉप प्रायोरिटी के अंदर में है, जिसमें सभी तरह के नशे को हम ले सकते हैं। जो शहरों में, जो विशेषकर अल्मोड़ा में कहीं कहीं स्मैक की जो शिकायतें थी, हमने काफ़ी इसमें कार्रवाई भी की है, लोगों को पकड़ा भी है। इसके अलावा जो हमारे लमगड़ा साइड में चरस और भांग की जो सूचनाएं मिलती थी, उसमें भी कार्रवाई हुई। अभी फिलहाल भांग की खेती को नष्ट भी किया जा रहा है, काफ़ी बड़े पैमाने पर कई थानों ने इसमें हमारे कार्रवाई भी की है। गांजा भी हमने जो भतरोज खान और सल्ट के एरिया में है, वहाँ काफ़ी गांजा भी हमने पकड़ा है। साथ साथ में हमारी जो टीम है, जो वो लगातार स्कूलों में, कॉलेजों में अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही है। इस तरह से देखें तो हम लोग हर तरह से जो नशा उन्मूलन है, नशा खत्म करने की दिशा में हम लोग अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, और लोगों से भी हम ये उम्मीद करते हैं, बल्कि अपील भी करते हैं कि वो हमारे इस काम में हमारी मदद करें, बढ़ चढ़ के सहयोग करें।